वादी कश्मीर में पाबंदियों का आज रहा 24वां दिन, मवासलाती निजाम मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका बाहर। चंद मकाम पर बरती गई नरमी के दौरान सड़कों पर नजर आया निजी ट्रांसपोर्ट। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के लिए 50,000 नौकरियों का किया ऐलान, कहा चंद दिनों में दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का हो सकता है ऐलान। इंटरनेट खिदमत बहाल करने में मजीद वक्त दरकार। आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतालिक अर्जियों पर आज भी समाप्त, मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। मामले की समाप्त के लिए 5 जजों की आईनी बेंच दी गई तश्कील। वादी में मुसलसल बंदिशों के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम, जहनी बीमारियों में मुब्तला नौजवानों की तादाद में हो रहा है इजाफा, अवाम ने किया इजहार तश्वीश। नायब सदर वेंकैया नायडू का बयान, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर है मुमकिन, कहा पड़ोसी मुल्क कर रहा है दहशतगर्दी की हिमायत। वाइजैक में तकलीफ से कर रही इस्तेमाल। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेजबान आसिफ रशीद, और अब पेश है खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में आज 24वें रोज भी मुतद्दद मकामात पर सख्त सिक्योरिटी और पाबंदियां आयद रही। बेशतर मकामात पर आज भी गैर ऐलानिया कर्फ्यू के साथ साथ पाबंदियों में कोई नरमी बरती नहीं गई। दीगर अजला की तरह शहर श्रीनगर में भी आज भी कई हसास मकामात पर फोर्सेज की इजाफी नफरियों को तैनात किया गया है, जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। इधर श्रीनगर के चंद इलाकों में बरती गई नरमी के दौरान चंद मकामात पर निजी ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी नजर आई और हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। ताहम शहर में पिछले चंद मकामात पर एक हफ्ते के दौरान संगबाजी की इक्का दुक्का वाकात को छोड़कर 24 दिनों से अगरचे पूरी वादी में हालात मामूल पर रहे, ताहम कर्फ्यू जैसी सूरत हाल और पाबंदियों के बीच आम जिंदगी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरी वादी में आज 24वें रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात और ब्रॉडबैंड खिदमात मुसलसल बंद रही। सरकारी दफातरों व चंद प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में दरसो तदरीस का अमल अगरचे शुरू किया गया था, ताहम मवासलाती निजाम और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर बहाल न होने की वजह से तलबा की तादाद स्कूलों में पहले के मुकाबले बेहतर नजर आई है। जबकि महकमा तालीम के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हालात बेहतर हैं और स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान वादी की मौजूदा सूरतहाल के हवाले से उन्होंने तफसीलात फराहम की। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मौजूदा सूरतहाल के पेश नजर मोबाइल फोन खिदमात जल्द बहाल की जाएंगी, ताहम इंटरनेट खिदमात बहाल होने में मजीद वक्त लग सकता है। रियासत में बेरोजगार नौजवानों के लिए 50,000 नौकरियां देने की भी रियासती इंतजामिया की जानिब से बात की गई। वहीं उन्होंने सियासी रहनुमाओं की नजरबंदी पर कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ कई रहनुमाओं की रिहाई भी मुमकिन है। माध्यम है इसका फोन वाला, इंटरनेट वाला, ये किसके काम आता है? थोड़ा बहुत हमारे काम आता है, लेकिन ज्यादा ये टेररिस्ट के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है, मोबिलाइज करने के काम आता है, इंडोक्ट्रिनेशन के काम आता है। ये एक तरह से हमारे खिलाफ हथियार है, इसलिए हमने इसको रोका हुआ है और धीरे धीरे हम उसको खोल देंगे। एज ऑन टूडे आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, 111 में से 81 पुलिस स्टेशन ने रिलैक्सेशन हो गया है टाइम का। 167 आउट ऑफ 197 पुलिस स्टेशन में नो डे टाइम रेस्ट्रिक्शन। इसी तरह जो ये अपना टेलीफोन है लैंडलाइन वाला, ज्यादातर जगहों में खुल गया है, और ये जो हमारा मोबाइल है, इसको जैसे जैसे परिस्थिति सुधरती रहेगी हम ये लोगों का खोलते रहेंगे। इंटरनेट अलबत्ता हम शायद थोड़ी देर से खोलें, उसको बियर करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि वो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। सारा झूठ उसी से फैलाया जाता है। जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की और सारे देश में बाकी स्टेट्स के लोग पूछ रहे हैं कि कैसे था, उसमें जो जो हमारे अफसरान लाए थे गांव का आंकड़ा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, उसके लिए हमने हर जिले में 5 करोड़ रुपया हर डीसी को दे दिया है। ये उससे अलग है जो 800 करोड़ पंचायतों के पास पहुंचा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट लार्ज डेवलपमेंट स्कीम्स पे काम कर रही है, और एक दो दिन में कोई बहुत बड़ा कश्मीर के लिए वहां से घोषणाएं होंगी डेवलपमेंट से संबंधित। पूरे
जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज करके ढूंढा, हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं, नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें, 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहां के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में, कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हैं। आप नहीं चाहते कि लोग नेता बने, मैं 30 बार जेल गया हूं, जो जेल जाएंगे वो नेता बनेंगे, उनको अभी रहने दीजिए, जो जितनी देर से निकलेगा वो चुनाव में उतना ही कहेगा कि मैं 6 महीने रह के आया। तो आप उनसे हमदर्दी अगर रखते हैं तो डिटेंशन पे बिल्कुल दुखी मत होइए, और सब घरों में है, डिटेंशन में घरों से कितनी दूर डिटेंड है, मैं तो फतेहगढ़ में जेल में था इमरजेंसी, जहां 2 दिन लगते हैं पहुंचने में, तो उनकी इतिबारियत बढ़ाने के लिए है जी? उनको डिटेंशन में रखना, उनकी जो जो डिटेंशन में रहेगा किसी इशू पे, तो उसको अगर उसमें अकल होगी तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेगा। आई एम विशिंग देम वेल, कोई चीज अल्लाह पे भी छोड़ोगे कि नहीं? मैंने छोड़ रखा, मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज इतना आहिस्ता से हो जाएगी, नॉर्मल सी धीरे धीरे आएगी और धीरे धीरे आनी चाहिए, हमको रश नहीं करना चाहिए, ना स्कूल खोलने में रश करना चाहिए, ना हमको प्रेशराइज करना चाहिए, दुकानें खोलो, तुम्हारा शहर है, तुम्हारे स्कूल्स हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम तय करो, हम तुम्हारे लिए जिस चीज की दिक्कत होगी वो हम हल करें। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के वशीर के विजय कुमार ने कहा कि मुवासलाती निजाम जम्मू कश्मीर में जल्द बहाल करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि इंतजामिया ने यह फैसला आम लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए उठाया है। इट विल अल्टीमेटली बी फुली लिफ्टेड, बट एज व्हेन एंड हाउ एग्जैक्टली आई विल नॉट स्पेकुलेट नाउ, वी विल बी टेकिंग डे टू डे कैलकुलेशंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड विल टेक अ कॉल इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक देयर ओन सेफ्टी एंड इट ओन इन द कम्युनिकेशन नेसेसिटी, वी विल बैलेंस बोथ। वादी में पिछले करीब 4 हफ्तों के दौरान मरीजों और तीमारदारों को भी शदीद मुश्किलात के दौर से गुजरना पड़ रहा है। मुतद्दद मकामात पर मरीज और तीमारदार लाचार नजर आ रहे हैं। इधर श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल के साथ साथ ललदेन और जीबी पंत अस्पतालों में भी आए रोज हजारों की तादाद में वादी के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ खिताए पीर पंचाल और वादी चिनाब से लोग इलाज मुआलजे के लिए पहुंचते हैं। ताहम एसएमएच अस्पताल ललदेन और जीबी पंत अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों ने शिकायत करते हुए कहा कि अद्वियात की किल्लत और वक्त पर इलाज न होने से भी उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इधर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज कहा कि अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। नैरेटिव चलता है, फॉल्स र्यूमर्स फैलाई जा रही है, जैसे आपको मालूम होगा एक दिन कह दिया गया कि जेके पुलिस हैज बीन डिसार्म, इसी तरह कह दिया गया अस्पतालों में दवाई नहीं है, जबकि मैं उस वक्त अस्पताल विजिट कर रहा था, दवाई नहीं, सब दवाइयां फ्री थी, इलाज फ्री था। एक बच्चा जब मैं गया हूं उसमें, वो जो पंथ हॉस्पिटल है उसमें एक बच्चे की हालत बहुत खराब थी, मेरे ही सजेशन पे उसको जहाज से दिल्ली भेजा गया, सब इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन झूठ फैलाने वालों का अब मैं क्या क्या बताऊं, किस किस तरह के झूठ। कल मेरे सिलसिले में कह दिया कि मैंने किसी नेता से बात की है, कुछ तो कोई मेयार तो रखो, ऐसा मत करो। मौजूदा सूरतेहाल के बीच अब वादी कश्मीर में जहनी बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जहनी बीमारियों में मुब्तला लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिनमें बेशतर नौजवान है। मकामी लोगों का यह भी मानना है कि वादी में जहनी बीमारी में मुब्तला नौजवान लड़के और लड़कियों की बढ़ती तादाद के पीछे वादी में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होना भी है। यहाँ पे काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन पहली बार आज मैं देख रहा हूँ कि डिप्रेशन का शिकार हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा नौजवान तबका मैंने देखा काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि नौजवान जो थे वो आजकल, आपको मैं बताता चलूँ कि इंटरनेट का दौर था, इंटरनेट का दौर, एक तो नौजवान उससे अपने जो नोट वगैरह हैं वो निकालते थे, फिर वो पढ़ते थे तालीम के हवाले से जो भी होता था उनको, या कोई डिक्शनरी का यूज़ नहीं होता था तो गूगल से ही सारा कुछ सर्च वगैरह होता था। वो सब कुछ जैसे चला गया तो उसके बाद जो है डिप्रेशन है, मोबाइल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं थी, और जो प्राइवेट तबके जो है सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है इसकी वजह से। तो उस वजह से जो है आपको मैं बताते चलूँ कि
जो यहाँ पे इस वक्त लाल चौक में बात करूँ, लाल चौक जो बंद है, दुकानों पे 15 से 20 लड़के किसी शोरूम में काम कर रहे थे, सारे घर में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से जो है वो डिप्रेशन लोगों में आई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर मज़ीद ये बढ़ सकती है डिप्रेशन। तो हम चाहते हैं, हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि उसकी तरफ ध्यान दें, ताकि इस तरह जो नौजवानों में जो ये खदशा पाया जा रहा है उससे दूर निकल सकें। कॉलेज स्कूल, देखिए मसला ये है कि सिक्योरिटी कौन देगा, बच्चों की जो वालदेन जो हैं इस वक्त उनका रबता नहीं है स्कूलों के साथ कि हम बच्चे को भेजें, गाड़ी कहाँ पहुँचेगी, मोबाइल सिस्टम नहीं है या इंटरनेट बैठा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि हर एक पेरेंट्स को एक SMS आ जाती थी, मैसेज आ जाती थी स्कूल इंतजामिया की जानिब से कि आप बच्चों को भेजो, तो उसके बाद जब यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, मवासलाती निज़ाम पूरा ठप होकर रह गया है, तो बच्चे कैसे स्कूलों तक पहुँचेंगे? तो घरों में रह के बच्चे डिप्रेशन तो होंगे ही शिकार। देखिए, जैसे जाना चाहता है कि कश्मीर जन्नत था, लेकिन जब से आर्टिकल रिवोक हुआ तो पूरी फ्रस्ट्रेशन आई है, जितना चाहे बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक पूरे फ्रस्ट्रेट हुआ है, क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं है। हमारा जो कारोबार था वो बंद पड़ा हुआ, हमारे जो स्कूल है वो बंद पड़े हुए, हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बंद पड़ा है, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बंद पड़ा है, हर चीज़ में हम हार रहे हैं, हर चीज़ में हमें नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और ऊपर से जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नहीं होता डॉक्टर साहब के साथ, उससे और भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है हमारी, तो सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है हमारे। अनएम्प्लॉयमेंट से ऑलरेडी इंसान हम परेशान थे, अब जो काम कर रहे थे अब वो भी बैठे हुए, अब चाहे ऑनलाइन बिजनेस था, चाहे टूरिज्म था, चाहे हमारे शॉप थे, चाहे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले थे, अब सब बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं जो इस सब बैठने से जो काम करता था उस काम बंद होने की वजह से और फ्रस्ट्रेशन हुए, तो कहीं ना कहीं हम अब लॉस हो रहे हैं, दिन बाय दिन हम फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। अभी जो आपको भी मालूम है कि पिछले 24-25 दिनों से क्या हाल है हमारे कश्मीर का, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सुनने को मिला जो ज़हनी मरीज़ है वो ज़्यादा उनकी तादाद अब पाई जाती है। वजूहत यही है कि जो यहाँ पे ऐसे हालात हुए उन हालात की वजह से, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नेट जो है, हमारा मोबाइल जो है वो बंद हो गया। एक ही एतबार से नहीं देख सकते हैं हम कि हम मोबाइल किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारा जो मोबाइल है उसकी भी अपनी खसूसियत है, खसूसियत के एतबार से जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते थे वो हमें अब देखने को नहीं मिलता है। हमारा रोज़मर्रा का मामूल था, हम मोबाइल पे काम करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे या चैट करते थे, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ हालात हुए, दुकानें शुकानें सारी बंद पड़ी है, तो इस एतबार से लोगों में ज़्यादा पाया जाता है कि जहन जो है उनका बहुत ही तंग नज़र आ रहा है। जो रोज़मर्रा का मामूल उन्हें हुआ करता था उसमें चेंज आ गई, उस चेंज की वजह से यहाँ पे लोगों में डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए, आप किसी भी इस वक्त मौजूदा हालात में आप जाइए, आप किसी मेडिकल शॉप पे जाइए, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि आजकल जो हम देख रहे हैं ज़्यादा मेडिसिन जो है वो इसी एतबार से ली जाती है, ज़हनी मरीज़ जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है। हमारे नौजवान जो है हमारा वो एंगेज हुआ करते थे, अपने ऑफिसेज जाते थे, प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें ज़्यादा लड़के काम करते थे, वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सारा का सारा बंद पड़ा है। लड़का सुबह उठता है या कोई बच्ची उठती है जो स्कूल जाती थी, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, अगर हमारा बच्चा कभी स्कूल नहीं जाया करता था तो हम देखते थे वो वालदैन से मोबाइल लेते थे तो दिन भर मोबाइल के साथ खेला करते थे। अब ना वो बच्ची स्कूल जाती है और ना ही मोबाइल उसके हाथ में है, नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, उसको भी ये मालूम नहीं हो रहा है कि आखिर यहाँ पर सडनली इतनी चेंजेस क्यों आ गई। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो हालात है वो मामूल के मुताबिक हो जाए, हम ये हर एक की चाहत है, लेकिन मामूल के मुताबिक जो हालात हम चाहते हैं वो इस एतबार से चाहते हैं जो हमारा कुछ जो हमारी चाहत थी उस चाहत के मुताबिक हमारा कुछ नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि ये सारा कश्मीर का जो माहौल है वो पूरा का पूरा मतलब बिगड़ चुका है इन 25 दिनों में। मुल्क के नायब सदर वेंकैया नायडू ने आज मसला कश्मीर पर बयान दिया। नायब सदर वेंकैया नायडू ने वाइजेग में एक तकरीब से अपने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान से बातचीत अब सिर्फ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर ही होगी। उनके बकौल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को फरोग दिया है जिससे खुद पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इफ देयर इज टेंशन यू कैन नॉट हैव अटेंशन, वी आर अवेयर ऑफ इट, बट इफ समबडी क्रिएट वांट टू क्रिएट टेंशन and one of our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists continuously,
without realizing the damage they are doing to the humanity. And also the damage they are going to inflict on themselves in the coming future. They should understand that. And we don't want to interfere in anybody's internal affairs. But we don't want others also not to interfere in our internal affairs. We are talking about Kashmir, this to discuss, what is there to discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there now to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 370 पर दायर 10 अर्जदाश्तों पर समाप्त हुई। इन तमाम दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने समाप्त की, जिसमें सीताराम येचुरी को अपने साथी लीडर से मुलाकात करने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई। ताहम कोर्ट ने कहा कि दौरे के दौरान किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए और कश्मीरी तालिब इल्म मोहम्मद अलीम को भी अनंतनाग जाने की इजाजत दी गई, जो अपने घर वालों से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद अलीम के तहफ्फुज को सरकार के को यकीनी बनाने पर कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए हैं। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है, जिस पर हुकूमत से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाकी अर्जियों पर अक्टूबर में समाप्त करेगा और दफा 370 को चैलेंज करने वाली सभी अर्जियों को 5 जजों की आईनी बेंच के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आईन की आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद कई तंजीमें रहनमा और ग्रुप हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, शाह फैसल, शहला रशीद, सीताराम येचुरी ने भी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्तें दायर की थी। ताहम ये सब की अर्जदाश्तों में अलग अलग मामलात को उठाया गया था। इसके अलावा बाज अर्जियों में वादी में अब भी मौजूदा पाबंदियों के खिलाफ सवाल उठाए गए थे। इधर कश्मीरी तालिब इल्म मोहम्मद अलीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है। उन्होंने कहा कि वो घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, जिसके पेश नजर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बेहतर समझा। सुप्रीम मेरे मैटर ये था मेरा कि जब से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कश्मीर में हुआ है, तब से लेके आज तक मैं घर वालों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा जी, नहीं किया है। तो इस वजह से अब मैं इस सिचुएशन में था कि बहुत सारी क्या कहते हैं इसको रिपोर्ट्स न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि वहाँ पे डिटेंशन हो रहा है, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से मेरे दिमाग में काफ़ी अप्रहेंशन था कि व्हाट इफ माय पेरेंट्स आर नॉट वेल। तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। बट एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग जो मुझे बोल रहे थे कि तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मत खटखटाओ, कुछ नहीं होने वाला है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग गलत साबित हुए थे। क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी रेमेडी है, हमें उसको सीख करना चाहिए। भले ही उसमें कुछ भी चांस 50-50 चांस भी हो, 25-70 चांस 80 चांस भी हो, तो हमारा फर्ज बनता है हम जाके अगर रेमेडी है तो उसको सीख करो। उर्दू खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। 60 लाख लोगों ने शादी.com पर कहा हाँ, तो आप कब हाँ कहेंगे? मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर करें। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। यूँ ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूँ ही नहीं रातों रात भाग बदल जाते हैं। दिशा दिखाने वाले लीडर अगर बड़े थे तो पीछे चलने वाले भी कुछ कम न थे, लेकिन हम इनको कहीं भूल गए हैं। तो क्यों ना आज अपना दिल थोड़ा बड़ा करें। दिल बाग पान मसाला, दिल से दिल बाग। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। 60 लाख लोगों ने शादी.com पर कहा हाँ, तो आप कब हाँ कहेंगे? मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर करें।
जिन मरीजों की ट्यूब्स बंद हो, अंडा ना बनता हो, महामारी की गड़बड़ी हो या जिन आदमियों में शुक्राणुओं की कमी हो, ऐसे मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक उपलब्ध है। जिन मरीजों की महामारी बंद हो गई हो, ऐसे मरीजों के लिए अंडादान की विधि से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक द्वारा गर्भ धारण करवाने की सुविधा उपलब्ध है। जिन आदमियों में शुक्राणुओं की कमी हो और वह अपना बच्चा ही चाहते हैं, ऐसे मरीजों में इक्सी विधि से उनका अपना बच्चा पैदा हो सकता है। मिले डॉक्टर रामा सोफत हॉस्पिटल एंड रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, कॉलेज रोड, लुधियाना, पंजाब। देखिए जनाब, बंगला तो आपने अच्छे से देख लिया, अब जल्दी से एडवांस दीजिए ताकि अगली पार्टी से बात करके ये बंगला आपके नाम करवा सकूं। देखिए डार साहब, इस घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो क्या? देखिए, बंगला तो अच्छा है, लेकिन जो इसकी अच्छत है वो टाटा शक्ति टीन की बनी हुई नहीं है। देखिए डार साहब, टाटा शक्ति टीन जिंक कोटेड होता है। मजबूती की एक अलामत टाटा शक्ति टीन, बराबर जान बराबर, मजबूती में शान बराबर। बादल हो या बारिश हो या बर्फानी तूफान हो, घर की करता है हिफाजत टाटा शक्ति टीन। पक्का सौदा, पक्का वादा, टाटा शक्ति टीन के साथ। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर शीरत एजेंसीज बटमालो सिर नगर, ये टीन इनके डीलर्स के पास भी दस्तियाब है। 60 लाख लोगों ने शादी.com पर कहा हाँ, तो आप कब हाँ कहेंगे? मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर करें। इधर CPIM की सीनियर रहनुमा सीताराम येचुरी ने भी कहा कि वो कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। सीताराम येचुरी कल साबिक MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की आयादत करने के लिए कश्मीर रवाना हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि अभी दो बार हम वहां पर कोशिश किए कॉमरेड तारेगामी से मिलने के लिए, वो सक्सेसफुल सफल नहीं रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि हम हमारे लिए वहां पर सुविधा करें प्रशासन कि हम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी से मिले और उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो भी हमें कहना है वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में दें। वो करूंगा मैं, और वो उसके बाद उसके आधार पर, क्योंकि केस अभी क्लोज नहीं हुआ, हमारी एफिडेविट जब जाएगी उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा और ये केस आगे बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान बैनुल अक्वामी इदारों में इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान को घेरने की मुसलसल कोशिश में मसरूफ है। तहम अक्वामी मुतहदा की सलामती काउंसिल से लेकर G7 इजलास के तमाम बड़े फोरम्स पर आर्टिकल 370 की मनसूखी को हिंदुस्तान का दाखिली मामला करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। इधर अब पाकिस्तान ने अक्वामी मुतहदा को एक खत लिखा है जिसमें हिंदुस्तान पर कश्मीर में तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामालियों का इल्जाम आयद किया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने खत में साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी का नाम भी अपने दावों को साबित करने के लिए लिखा है। पाकिस्तान ने अपने दावों को सच साबित करने के लिए कांग्रेस सदर राहुल गांधी के बयान का हवाला दिया है। इस खत में पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया है कि कश्मीर में मामूल के मुतल्लिक भारत के दावे झूठे हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक जानिब जहां पाकिस्तान ने अक्वामे मुतहदा को खत लिखकर कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का इल्जाम भारत पर आयद किया, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने फिजाई हदूद दोबारा बंद करने का फैसले पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक बार फिर भारत के लिए फिजाई हदूद बंद करने पर गौर कर रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस इकदाम से खुद मईशत के लिए एक बार फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कश्मीर मामले पर आज ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाकात पेश आए जिनके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उनके बकौल ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला मुल्क है और ये पाकिस्तान कश्मीर में लोगों को मुश्तिल करने के साथ साथ दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। राहुल गांधी ने एक दिगर ट्वीट में यह भी लिखा कि इस हुकूमत से कई मामलात पर इख्तलाफ रखता हूं, ताहम मैं पूरी तरह वाजे कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का दाखिली मामला है और इसमें मुदाखलत की इजाजत पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क को नहीं है। याद रहे राहुल गांधी का यह ट्वीट उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान ने अक्वामे मुतहदा को एक खत लिखकर इंसानी हुकूक की पामाली करने का इल्जाम भारत पर आयद किया, जिसमें राहुल गांधी का भी पाकिस्तान ने जिक्र किया था। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना ने राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने पर
کانگریس کو حدف تنقید بنایا. رویندر رینا نے کہا کہ ملک کی عوام ایک فیصلے کی حمایت کرتی ہے، تاہم دوسری جانب کانگریس پاکستان کی زبان بولتی جا رہی ہے. ادھر دلی میں آج مرکزی کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ساتھ ہی حکومت نے منتخب شعبوں میں ایف ڈی آئی کی شرائط میں نرمی کرنے اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اجلاس میں کشمیر کے کئی اہم معاملات پر خبروں کے مطابق تبادلہ خیال ہوا. ساتھ ہی حکومت نے ملک کے کئی دیگر اہم معاملات کو لے کر بھی بات چیت کی. میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ سال 2021-22 تک ملک میں 75 نئے میڈیکل کالج بنوائے جائیں گے، جس سے ملک میں 15,700 کے قریب ایم بی بی ایس سیٹیں تیار ہوں گی. سرحدی ضلع ناجوری کے نونیل پنچایت گھر کی خستہ حالت سے علاقے کے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. مقامی لوگوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نونیل میں بنے پنچایت گھر کی تعمیر قریب 40 برس پہلے ہوئی تھی، تاہم آج تک دوبارہ اس پنچایت گھر کی عمارت کی طرف انتظامیہ کا دھیان نہیں گیا. ان لوگوں کے مطابق بارہا انتظامیہ کو اس پنچایت گھر کے عصر نو تعمیر کے حوالے سے اگرچہ مطالبہ کیا گیا، تاہم ہر مرتبہ ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، جس سے آئے روز پنچایت گھر کی عمارت بوسیدہ ہو جا رہی ہے. یہ بلڈنگ کم سے کم 35-40 سال پرانی بنی ہوئی ہے، اس کی پوری خستہ حالت ہے، بالکل گرنے والی ہے. میں پہلے بھی نائب سرپنچ تھا، اس کے پہلے الیکشن ہوئے تھے، ابھی نائب سرپنچ ہوں. پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے اس کو کم سے کم ریپیئر کرو، جہاں کوئی اچھی سی بلڈنگ بنواؤ. یہاں بہت بہت بڑھیا جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، روڈ سائڈ ہے، یہاں کم سے کم پنچایت گھر اچھا بنا جائے. تو یہ تو بالکل بیچ آنا تھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے پٹ بھی لیا، سب کو لیا، پورا گرنے والا ہے، اتنا کب گر جائے گا. تو یہاں اچھی بلڈنگ بننی چاہیے، ایک پنچایت گھر اچھا بننا چاہیے. یہ آپ چار دواری بھی دیکھو پوری گری ہوئی ہے، پورا برا حال ہے اس کا بھی. ہاں پانی پورا اندر آتا ہے، تو جب بھی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ادھر ہے ہی نہیں کوئی، بالکل بہت بری کنڈیشن ہے. تو بلڈنگ بن جائے تو اچھی بات ہے. 3 کنال جگہ ہی ہے. ہاں کتنی پرانی بلڈنگ ہے؟ بہت پرانی بلڈنگ ہے، 35-40 سال ہو گئے. کوئی کتنی بار کوئی یہاں پہ آیا ڈپارٹمنٹ؟ کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی بالکل غور ہی نہیں کرتا اس میں. ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ انگریز سنگھ رانا نے گلاب گڑھ پاڈر میں عوامی دربار بلایا. دربار کے دوران ضلع انتظامیہ نے عوام کے مسائل سنے. ضلع ترقیاتی کمشنر انگریز سنگھ رانا نے لوگوں کو ان کو درپیش مسائل کا حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وہیں ڈی سی کشتواڑ نے پاڈر میں فٹ بال اسٹیڈیم کا بھی افتتاح کیا. پبلک دربار میں متعدد علاقوں سے کشتواڑ میں لوگوں نے حصہ لیا. یہ جو پبلک میٹنگز میں ہم اکثر کیا کرتے ہیں ضلع کے دور دراز علاقہ جات میں، تو آج ہم نے رکھی میٹنگ یہاں تھی، پاڈر گلاب گڑھ میں میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہم بیٹھے، آپس میں انٹریکٹ کیا. پبلک نے ہمارے کو، تمام آفیسر جو میرے ساتھ تھے، تو آن سپاٹ کوشش کی ہم نے ایشوز کو، تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کی. کچھ جو ایسے ایشوز پبلک کے ہیں جو گورنمنٹ سطح پہ ان کا کیا کہتے ہیں مسئلہ حل ہوگا، وہ ہم نے نوٹ کیا اور ہم گورنمنٹ کو لکھے. سرحدی ضلع راجوری میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈگری کالج میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں راجوری کی ایک طلبہ ارمیم شمیم کو انعام سے نوازا گیا. آپ کو بتا دیں کہ ارمیم شمیم نے ایمز میں ایم بی بی ایس سیٹ نکال کر خطے کی پہلی لڑکی ہونے کا شرف حاصل کیا. ارمیم شمیم کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے 1,00,000 روپے کی رقم فراہم کی گئی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایم بی بی نے جو اپنے لیول پر کیا ہے، ہم نے ایک سسٹم ہمارے یہاں ہے اینٹی نیٹل چیک اپ. آج سے 1450 سال پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس سب کا کریڈٹ میری فیملی کو، میری مما کو، میرے ماموں کو جاتا ہے، جن کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی. چاہے جتنی بھی پرابلمس میری لائف میں آئے، ان نے بہت سپورٹ کیا. اور یہ ایک ایسا ایگزام ہے جو ون آف دا ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے انڈیا کا، اور اس کے لیے کافی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پر آپ ڈٹرمائنڈ رہیں گے، ہارڈ ورک کریں گے، تو آپ کو سکسیز ضرور ملے گی. اس سمیلن میں کافی بڑے پیمانے پر ہمارے بی جی بی ایس یونیورسٹی اور پی جی کالج کی طرف سے جو چھاترائیں ہیں ان کی پارٹیسپیشن رہی، اور اس میں جو ریسورس پرسنز تھے انہوں نے
2019-20 کے لیے جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت جن ایکٹیویٹیز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس کا ایک نقشہ بھی کھینچا ہے، ایک خاکہ تیار کیا ہے، اور آج یہ اس سال کی پہلی تقریب تھی۔ اس کے بعد مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ گرل اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہو، چاہے وہ پنک بسز رول آؤٹ کرنے کی بات ہو، ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے آگے کی جو نشستیں ہیں۔ ابھی تک کی اردو خبرنامے میں میرے ساتھ اتنا ہی، اپنے میزبان آصف رشید کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز، اللہ نگہبان۔